दोस्तों, जैसा कि आप ये मॉडल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपने थंबनेल देखा तो उसका 2D मॉडल था, जो आपने इसका थंबनेल देखा था, और ये इसका 3D मॉडल, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका साइज है 14x20 स्क्वायर फिट। हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है, और ये 14x20 फिट में बहुत ही बेहतरीन प्लान मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड करके दिया है। तो चलो इसी को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमेशा के तरीके से हम गुजारिश आपसे जरूर करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको दोस्तों वीडियो जब आप प्ले कर रहे होंगे तो बगल में एक सब्सक्राइब का बटन आया होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो आप लाऊंगा तो आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलो आज का मॉडल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं हमेशा के तरीके से। तो फ्रंट की बात करें, सामने से बात करें तो ये मॉडल आप ऐसा देख पा रहे होंगे, ये आपका रेलिंग यहाँ पर लगा है, ये इसका मेन डोर है, एक विंडो है, और ये इसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर है। साइड थ्री साइड क्लोज्ड है दोस्तों, ये देखिएगा थ्री साइड क्लोज्ड हाउस है ये। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं इसकी हमेशा की तरीके से, इसको हम ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट आप जैसे करते हैं तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में दिखती हैं, कहाँ पर क्या कौन सा फर्नीचर लगा है, सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला होता है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, ट्रांसपेरेंसी की रिमूव कर दें, तो अब आप इसको ओरिजिनल पोजिशन पर ये देखिएगा देख पा रहे होंगे इसका ओरिजिनल पोजिशन। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको ले चलेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे दोस्तों आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो ये देखिए मैं जूम करता हूँ, मैक्सिमम जूम, यहाँ पर आपका ये डोर दिया फ्रंट से, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, उसके ऊपर एक जाली दिया है जिसमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो, एक विंडो है उसके ऊपर भी जाली है। जैसे आप एंट्री करते हैं मेन डोर, तो सबसे पहले आपको मिल जाती है स्टेयर्स, ये देखिएगा नीचे घुसेंगे उधर से स्टेयर्स आप चढ़ना होगा और इधर आकर ऊपर चढ़ जाना, ये आपकी स्टेयर्स है और इसी के नीचे से आपका मेन एंट्रेंस है। सबसे बगल की बात करें पर यहाँ पर आपको दो पोर्शन मिलते हैं, इन दोनों पोर्शन में एक दोस्तों लेटरिन और बाथरूम है, एक आपका किचन है। और मेरे जैसे सजेशन है तो आप किचन बाहर तरफ रखेंगे, क्योंकि बाहर तरफ रखेंगे किचन तो उसमें जो वेंटिलेशन होगा विंडो लग जाएगा और वेंटिलेशन के थ्रू सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये किचन दिया है, ये आप लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा पहले किचन रखने की तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि पोर्शन दोस्तों दोनों क्योंकि दोनों पोर्शन सेम है, और जो भी आप चाहें उसको लेटरिन बाथरूम या किचन एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप किचन बाहर रखेंगे तो आपका वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम बात करें लास्ट फ्लोर की, लास्ट वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर आपको एक बेडरूम डिज़ाइन किया है, क्योंकि यहाँ 14x20 फिट बहुत ही कम जगह है, तो एक बेडरूम भी आपका डिज़ाइन हो पाएगा, और उसमें लेटरिन बाथरूम भी आपको बनानी है, स्टेयर्स भी बनानी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इतने से घर पर ही। तो ये मॉडल आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया। आप अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे आएंगे स्टेयर्स के माध्यम से, तो सबसे पहले वही सेम टू सेम बेडरूम, और यहाँ पर मैंने एक पोर्शन हटा दिया है, अगर आप किचन नीचे रखना चाहते हो तो नीचे रखें, यहाँ पर केवल लेटरिन और बाथरूम मैंने यहाँ पर दिया है, किचन हटा दिया है, और आपका ओपन स्पेस भी आगे मिल जाएगा। ये देखिए बालकनी भी मैंने यहाँ पर दी है, और थोड़ा देख पा रहे होंगे आप, और ये आपका यहाँ पर ओपन स्पेस भी मिल जाएगा, इसी कारण से मैंने एक पोर्शन यहाँ से हटा दिया है, और वही बेडरूम, वही आपके लेटरिन बाथरूम, वही स्टेयर्स रहने वाला है। तो ये इसका हो गया फर्स्ट फ्लोर दोस्तों। अगर हम बात करें इसके लास्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर आप सामने जैसा देख पा रहे होंगे, अगर हम बात करें इसके लास्ट फ्लोर की, तो ये इसका दोस्तों लास्ट फ्लोर है। लास्ट फ्लोर पर मैंने सिर्फ कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, यहाँ पर केवल आपका छत और बालकनी और चारों तरफ 3 फिट का बाउंड्री ही डिज़ाइन किया है। तो ये इसका लास्ट फ्लोर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो स्टेयर्स आपको ऊपर गया, यहाँ पर आपको गुमटी बनवानी पड़ सकती है, क्योंकि बरसात में पानी वगैरह अंदर जाता है, तो यहाँ पर आपको एक ऊपर गुमटी और बनवानी पड़ेगी। लेकिन ये पूरा आपका 14x20 फिट में बेहतरीन सा मकान बनकर रेडी हो जाता है। ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर चाहते हैं इसका 2D मॉडल देखना, तो मैं आपको चलो वो भी दिखा देता हूँ 2D मॉडल इसका। तो ये देखिए दोस्तों इसका 2D मॉडल है, आप देख पा रहे हो 2D, ये यहाँ पर 14 फिट, ये आप देख रहे होंगे 14 फिट ये है, 20 फिट ये है। और इस रूम की बात करें तो 9.7 इसकी चौड़ाई है दोस्तों, लंबाई सॉरी, और 13.5 इसकी चौड़ाई है। अगर हम इसे लेटरिन बाथरूम की बात करें तो 4.6 आपका लंबाई में है, और 6.5 में ये आपका चौड़ाई में है लेटरिन और बाथरूम, और 4.3 और 6.5 में आपका किचन है। ये पूरा आज का 2D मॉडल है। ऐसे आप इसका ये वाला फ्लोर भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।